हार्दिक शुभकामना है, बिग बॉस में जाएं, अच्छा करें, लेकिन हम दिल से शुभकामना तब देंगे जब ये तीन बच्चे पद्मश्री पाए, पद्म विभूषण पाए, क्योंकि ये खेद है, मुझे तकलीफ है कि इतने बड़े सिंगर हैं, इतने बड़े फैंस हैं, इनकी फैंस फॉलोइंग इतनी बड़ी है ना, लेकिन आज तक इनके पास एक दो चेक नहीं है सरकारी प्रोग्राम का। तो अपने स्तर को सुधारें, अपने गायकी को सुधारें और उस लिस्ट में अपना नाम डलवाएं, उस लिस्ट में अपना नाम अंकित कराएं जिसमें पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी, पद्मश्री शारदा सिन्हा जी और पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का नाम आता है। आज तक पद्मश्री भोजपुरी में मिला तीन महिलाओं को, आज तक किसी पुरुष को नहीं मिला है। तो मैं ये बात पवन सिंह, सिर्फ खेसारी लाल जी के लिए नहीं, पवन सिंह जी के लिए कहूँगा, खेसारी लाल जी के लिए कहूँगा, दिनेश लाल जी के लिए कहूँगा कि ये त्रिदेव अपने आप को देवता मानते हैं, तो ये त्रिदेव कुछ ऐसा काम करें कि इन्हें पद्मश्री प्राप्त हो, पद्म विभूषण प्राप्त हो। ये बिग बॉस में जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे भोजपुरी स्टार बिग बॉस में जा रहे हैं तो ये हम उनको धन्यवाद जरूर कहेंगे कि बिग बॉस में जा रहे हैं, लेकिन वो बिग सम्मान ये बिग बॉस में जाने से नहीं है। बिग सम्मान है पद्मश्री लाओ, पद्म विभूषण लाओ। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार पहले भी जा चुके हैं। कोई खेसारी लाल पहला बार थोड़ा जा रहा है भोजपुरी से, हैं भोजपुरी से हमारे बिग बॉस में चार पांच लोग पहले से जा चुके हैं। फिर भी अचीवमेंट छोटा हो या बड़ा हो, पर्सनल मतभेद मनभेद अपनी जगह है। कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको बधाई मिलनी चाहिए। मैं दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ।